नमस्कार, स्वतंत्र वीर सावरकर आई है पिक्चर, उसका रिव्यू लेकर हाजिर हूँ मैं फिर से। पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। सिंघम मूवी आई थी, उसमें कैरेक्टर था जयकांत छिगरे का, उन एक्टर का क्या नाम है आपको कमेंट करके बताना है। उसका आंसर मैं आपको एंड में दूंगा वीडियो में, तब तक आप कमेंट करो। सबसे पहले बात कर लेते हैं रणदीप की इस फिल्म में एक्टिंग की। बंदे ने मतलब ऐसी एक्टिंग की है, काया पलट कर दी अपनी। उन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है ना, वो बहुत इंपैक्टफुल है मूवी में। वो जब भी स्क्रीन पे आते हैं ना, एक अलग ही असर छोड़ के चले जाते हैं। रणदीप हुड्डा का तो बुला ही जाता है, वो रोल्स में मतलब इतना डूब के काम करते हैं, डूबने के लिए, डूब के काम करने के लिए फेमस है। सावरकर की जो शख्सियत थी ना, जो उनका कैरेक्टर था, उसको मतलब जीवंत कर दिया अपनी एक्टिंग से रणदीप हुड्डा ने। वो फिल्म में रणदीप कम, सावरकर ज्यादा नजर आए। आपको ये फिल्म देखते टाइम सरबजीत का कैरेक्टर याद आएगा, उसमें भी उन्होंने क्या काम किया था। सरबजीत का अगर आपको जेल वाला सीन याद हो ना, उसको ये मान लो आप, सरबजीत अगर आपने देखी हुई ना, इसमें जो काला पानी वाला जो सीन है ना, वो देख के आपको सरबजीत याद आएगी कंटिन्यूस। नमस्कार, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं चैनल पर्दे के पीछे। वीडियो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो सबसे पहले। तो करना, रणदीप ने इस फिल्म में ओनली एक्टिंग ही नहीं की है, उसके अलावा राइटिंग में भी उनका हाथ रहा है। राइटिंग की है उन्होंने, फिल्म को प्रोड्यूस भी उन्होंने किया है, और इन सबसे भी ज्यादा सबसे बड़ी बात, वो फिल्म के डायरेक्टर भी खुद ही हैं। इतनी सारी जिम्मेदारियां और इतने अच्छे तरीके से निभाई यार। स्क्रिप्ट को लेकर रणदीप ने जो मतलब रिसर्च की है ना, जो डीप में घुसे वो पूरा शोध किया उन्होंने, वो फिल्म पे दिखता है। वो उस रिसर्च का असर पूरी फिल्म में नजर आएगा आपको। 3 घंटे की पूरी फिल्म है, लेकिन उसके बाद भी आपको कहीं भी लंबी नहीं लगेगी। लंबी छोड़ो, पूरी फिल्म में कहीं भी एंटरटेनमेंट का जो ग्राफ है ना, वो कहीं भी नीचे नहीं होता। सावरकर की लाइफ के वो पहलू जिनसे आम जनता अनजान है, जिन्हें पता नहीं उनकी लाइफ के बारे में, उस पे फोकस किया पिक्चर में। फिल्म में दिखाया कि सावरकर जो थे ना, वो गांधी की जो अहिंसा वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, उसके वो खिलाफ थे, अगेंस्ट थे, लेकिन उसके बाद भी वो गांधी जी का मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा विरोधी थे, उनकी इज्जत करते थे, बस उनका अहिंसा वाला जो थॉट था ना, वो उनको पसंद नहीं था। फिल्म में ये भी दिखाया कि हिंदू राष्ट्र का जो थॉट था ना, सबसे पहली बार उसको जो डेवलप किया था ना, वो वीर सावरकर ने किया फर्स्ट टाइम। अच्छा, इससे पहले महेश मांजरेकर थे, वो इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन रणदीप और महेश में मतलब किसी बात को लेके क्रिएटिव डिफरेंस या कहानी को लेके उनमें मतलब अनबन हो गई, दोनों में कहानी को लेके एक मत नहीं बना। उसके बाद में महेश ने मतलब फिल्म छोड़ दी, तो रणदीप ने खुद ही जिम्मेदारी ले ली उसे डायरेक्ट करने की, और फिल्म देख के लग रहा है कि बिल्कुल सही काम किया, जिम्मेदारी खुद के हाथ में लेके, क्योंकि महेश का डायरेक्शन देख चुके यार। हम अंतिम फिल्म आई थी सलमान खान की, ऐसा भी कुछ तो फिल्म नहीं बनाते वो। रणदीप की ये पहली फिल्म है एज ए डायरेक्टर, लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया है, मतलब ऐसा लगता है बहुत मजे हुए डायरेक्टर ने फिल्म बनाई हो। खास करके वो सीन जिनमें काला पानी की सजा दी गई ना, वो वाले सीन है वो बहुत इंपैक्टफुल है, रोंगटे खड़े कर देते हैं। उसके अलावा जो इमोशनल सीन है वो भी अच्छे बन पड़े, इतने अच्छे तरीके से फिल्माया है ना इमोशनल सीन को, कि आपके ऊपर असर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। फिल्म इंटरवल से पहले बहुत स्लो चलती है, उसके बाद में इंटरवल के बाद में अचानक से स्पीड पकड़ती है, और इंटरवल के बाद में कुछ डायलॉग्स भी बहुत अच्छे अच्छे मिले एक्टर्स को, तालियां पीटने लायक डायलॉग है कुछ तो। अंकिता लोखंडे है रणदीप हुड्डा के अलावा, उन्होंने भी बढ़िया काम किया है। यशोदा बाई का उनका कैरेक्टर है, उनको मतलब स्क्रीन प्रेजेंस जो है ना, वो बहुत कम मिला है, लेकिन उसके बाद भी उनकी मतलब जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उस हिसाब से बहुत सही काम किया उन्होंने। मेरे कहने का मतलब यशोदा बाई के कैरेक्टर से जस्टिस तो किया है उन्होंने। इनके अलावा अमित सियाल हैं, जो मतलब वीर सावरकर के जो बड़े भाई थे ना, उनके रोल में, और उन्होंने भी बढ़िया काम किया है। एक्टिंग अच्छी है उनकी, कमी नहीं है, 19-20 का भी फर्क नहीं है। फिल्म की जो शूटिंग है ना, वो रियल लोकेशंस पे नहीं हुई, उन्होंने मतलब सेट बना के शूट किया पूरी पिक्चर को, और ऐसे सेट बनाए यार, ऐसा लगता है जैसे आप वहीं खड़े उसी जगह पे, इतने बढ़िया तरीके से डिजाइन किए सेट पिक्चर के। वो जो फिल्म का पूरा एनवायरनमेंट है ना, कि उस टाइम पे आजादी के टाइम पे, मतलब सावरकर का टाइम जो था ना उस टाइम पे, क्योंकि अर्ली 80s की बात हो रही है, कैसा रहा होगा माहौल, एनवायरनमेंट कैसा होगा, ये मतलब आपको फिल्म देखते टाइम वो सेट देख के फील हो जाएगा, पूरा माहौल ही ऐसा है। गाना जरूर फिल्म में, गाने की कमी खलती है, एक गाना तो कम से कम अच्छा बनता है यार, एक गाना तो होना था, कम से कम एक देशभक्ति वाला एक अच्छा गाना तो होना था। अगर एक गाना भी अच्छा जोशीला होता ना, तो पब्लिक में अलग ही जोश दिखता। फिर लीड एक्टर्स है ना, उनके अलावा जो कास्टिंग हुई ना, वो बहुत वीक है। खास करके जो गांधी वाला रोल है ना, वो जिस एक्टर ने किया ना, उनके अलावा जो अंबेडकर है उनका रोल किया है, वो दोनों कास्टिंग बहुत बेकार है। उनकी जगह अच्छे एक्टर्स होने थे, वो कहीं से भी अंबेडकर गांधी नहीं लगते। मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार। आप एक बार ये फिल्म देख सकते हैं, अगर सावरकर की लाइफ पे अगर आपको इंटरेस्ट है ना, तो आप जरूर देखें। फिर उनका बहुत सारा ऐसा पहलू था जो अनछुआ रह गया, वो इस फिल्म में मतलब बताने की कोशिश की है मेकर्स ने। अब मैं आंसर पे आता हूँ। सिंघम में जो मतलब जयकांत छिगरे का जो रोल किया था ना, उस एक्टर का नाम है प्रकाश राज। सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।